नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अशोक वर्मा। देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। भारतीय जनता पार्टी आज यानी 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती को समरसता दिवस के रूप में मना रही है। आज के दिन बीजेपी पूरे जिले में से मंडल स्तर पर अंबेडकर जयंती मना रही है। नगर के नेहरू हॉल सभागार में भारतीय जनता पार्टी ने अंबेडकर जयंती पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। संगोष्ठी के मुख्य अतिथि एमएलसी विजय बहादुर पाठक रहे। संगोष्ठी में पहुंचे भाजपा नेता व एमएलसी विजय बहादुर पाठक का कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। इसके बाद संगोष्ठी का शुभारंभ एमएलसी विजय बहादुर पाठक, भाजपा जिलाध्यक्ष चोर सिंह मजीषिकांत राय ने डॉक्टर अम्बेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। इस दौरान संगोष्ठी को संबोधित करते हुए संबोधित एमएलसी विजय बहादुर पाठक ने क्या कुछ कहा, सुनिए। यादव ने इस्तीफा दे दिया है, तो जो नाम तय किए जा रहे हैं कौन लोग होंगे जो दावेदार? अभी तो कोई नोटिफिकेशन हुआ नहीं, और ये तो तय है ना कि जैसे 2022 में विधानसभा के चुनाव होंगे तो 2027 में विधानसभा के चुनाव होंगे। तो अब 2022 खत्म हुआ तो आप मुझे कहें कि 2027 में कौन होगा? नोटिफिकेशन जब होगा, जैसी स्थिति होगी उस समय जब कैसे खाली हो गए अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद रिक्त हो चुकी है। तो नोटिफिकेशन हो, उपचुनाव हो, तो जब समय आएगा तो बताया जाएगा। और हमारे यहाँ वैसे भी निर्णय संसदीय बोर्ड करता है, तो जो विषय संसदीय बोर्ड करता है उसके बारे में व्यक्ति के रूप में मैं कैसे बता पाऊंगा। रामनवमी में जगह जगह बवाल हुआ, उसको किस नजरिए से देखा? देखिए, रामनवमी का आयोजन सब लोगों ने बेहतर ढंग से किया। जहाँ कहीं परिस्थिति हुई सरकार ने उसको तन्मयता से कंट्रोल भी करने का काम किया, और स्वाभाविक रूप से उत्साह का माहौल है, लोग मनाते हैं तो मनाने देना चाहिए। सरकार को और चिंता करनी चाहिए, हमने चिंता करने का काम किया भी है।